नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में 14,933 नए मामले, 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत। परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का देशव्यापी प्रदर्शन। मोदी सरकार में पत्रकारों के खिलाफ डर का माहौल। हमारी जो पहली खबर है वो कोरोना अपडेट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,933 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा बीते दिन कोरोना संक्रमण के कारण 312 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इस बीच कोरोना से पीड़ित 10,994 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 4,40,215 हो गई है। कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में भी बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार अभी तक 56.38% यानी 2,48,190 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण 14,011 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,78,014 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 71,37,716 सैंपल की जाँच की गई, जिसमें से 1,87,223 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र 3,721, दिल्ली 2,909, तमिलनाडु 2,710, तेलंगाना 872, उत्तर प्रदेश 591, गुजरात 565, पश्चिम बंगाल 413, हरियाणा 390, आंध्र प्रदेश 373, राजस्थान 302, कर्नाटका 249, बिहार से 213, असम से 198, मध्य प्रदेश से 175, पंजाब से 161, उड़ीसा से 143, केरल से 138, जम्मू कश्मीर से 132 और गोवा से 110 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही नागालैंड से 69, झारखंड से 64, उत्तराखंड से 58, मणिपुर से 57, हिमाचल प्रदेश से 54, छत्तीसगढ़ से 28, पुडुचेरी से 17, त्रिपुरा से 16, लद्दाख से 10, चंडीगढ़ से 5, अरुणाचल प्रदेश से 4 और दादर नगर हवेली से और दमन दीव से 3-3 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन देश के 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसमें मिजोरम, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मेघालय शामिल है। सभी परीक्षाओं को रद्द करने तथा छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर सोमवार को पूरे देश में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी छात्रों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। इसके लिए ट्विटर पर प्रमोट स्टूडेंट्स विदाउट एग्जाम्स हैशटैग के साथ छात्रों ने अपनी बात रखी। इस प्रदर्शन में ISA, SFI, KYS, 50, DSU, BSCEM सहित तमाम छात्र संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश में भी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उपकुलपति ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और उनके समर्थन में आए शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रदर्शन के दौरान शारीरिक दूरी का ध्यान रखा था। सभी दूर दूर खड़े होकर अपने हाथों में पोस्टर और नारे लगाकर अपना विरोध जता रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। हालांकि कुछ देर बाद ही सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया गया था। मोदी सरकार के में पत्रकारों के खिलाफ हमले बढ़ते जा रहे हैं। पत्रकारों को सरकारी पचड़ों में फंसा कर परेशान किया जा रहा है, ऐसा मानना है परंजय गुहा ठाकुरता का। ताजा मामला स्कूल के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुप्रिया शर्मा से जुड़ा है, जिन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने FIR दर्ज किया है। पत्रकारों के खिलाफ हो रहे हमलों से जुड़े इस मसले पर अपनी राय रख रहे हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य रह चुके परंजय गुहा ठाकुर। आइए सुनते हैं उन्हें। लग रहा है हमें कि हम लोग वापस चलेंगे वो आपातकालीन इंदिरा गांधी जब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे, जून 1975 से लगभग जनवरी 77 तक ये स्थिति था कि बहुत सारे पत्रकार को इंदिरा गांधी का प्रशासन, उनका सरकार ने जेल के अंदर डाल दिया था, कारागार के पीछे थे इन लोग। और फर्क है कि आज शायद इतने पत्रकार जेल के अंदर नहीं है, मगर बहुत सारे का पत्रकार है जिसके खिलाफ आप जैसे कहा इनको हैरान किया गया। एक दिल्ली का एक गैर सरकारी एक संस्था है राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप, वो 15 जून एक रिपोर्ट पेश किया जिसमें नाम करके दिखाया और ये 55 पत्रकार जिसके खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी के खिलाफ कोई कारण दिखाओ नोटिस, किसी को मार डाला कोई गुंडा ने, किसी का संपत्ति नष्ट किया गया, और इसमें
मैं आपको कहूं कि इसमें वो सुप्रिया शर्मा और नरेश फर्नांडिस भी नहीं है, इसमें विनोद दुआ भी नहीं है, और भी इसके बाद भी और हुआ, तो लगभग 25 मार्च से आज तक कम से कम 60 पत्रकार का खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई नहीं किया। और ये जो 55 जो पत्रकार जिसका नाम ये रिपोर्ट में है, इसमें 11 लोग थे उत्तर प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में 6, छोटा राज्य हिमाचल प्रदेश वहां पे 5 ऐसा उदाहरण है। और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी जहां पे शासन कर रहे ऐसा राज्य नहीं, अलग राज्य में भी यही स्थिति है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य में ऐसे, 4 हर राज्य में 4 ऐसे उदाहरण है पत्रकार का खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई की, चिन्ह कुछ कोई नहीं, पर प्रशासन या कोई अदालत ने कुछ ना कुछ कार्रवाई किया। दो उदाहरण है पंजाब जैसे राज्य, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, और एक ऐसे उदाहरण है अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, नागालैंड, तेलंगाना, मतलब पूरा भारतवर्ष में हम देख रहे हैं कि ये हुआ। देखिए, जो भी सरकार में है, जो भी सत्ते में है, वो नहीं चाहते कि पत्रकार सचमुच उनका टिप्पणी करे, आलोचना करे, मगर फर्क क्या है? जैसे इंदिरा गांधी का आपातकालीन समय में सरकार था, मोदी सरकार पिछले 6 साल में हम देख रहे हैं, वो जो भी पत्रकार उनका आलोचना करते हैं पसंद नहीं करते, एक तरह से एक असहनशीलता दिखा रहे सरकार में जो है, सत्ते में जो है। और सिर्फ इनटॉलरेंस नहीं, ये सिर्फ असहनशीलता भी नहीं है, एक तरह से वो विंडिक्टिव भी जबरदस्त है, जो बदला लेने का भावना है, और हम देख रहे हैं। देखिए, मोदी जी खुद तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जो जहां पे कोई भी सवाल कोई भी उठा सकते हैं, उन्होंने चुन के कुछ पत्रकारों को उनको साक्षात्कार दिया, जो अच्छे अच्छे सवाल पूछा, और ऐसे लोगों को भी जो हमारे कनाडा का नागरिक अक्षय कुमार का भी वो साक्षात्कार मिला, जो उनसे ये भी सवाल उठाया, आप कौन सा आम पसंद करते हैं, कौन सा आम खाते हैं। मगर बात और कुछ है, आज पूरा जो माहौल हो गया, जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ये हमारे इंडियन पीनल कोड का ही है, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड है, जो मानहानि का जो जो कानून है, ये सारे कानून का दुरुपयोग हो रहा है, और कौन कर रहे हैं? जो सरकार में, जो प्रशासन चला रहा है। तो दुख की बात है कि ये सरकार और हर सरकार बड़े बड़े बात करते हैं कि हाँ हम अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, एक भी है कुछ भी हम कहें कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ युक्तिगत प्रतिबंधन भी है जो 19(2) में हमारे संविधान में लिखा है, मगर जैसे मैंने पहले कहा, सचमुच ये सरकार एकदम असहनशीलता, एकदम असहनशील है, और एकदम बदला लेने का भावना है। इंदिरा गांधी जेल के अंदर डाल दिया, आज हम देख रहे हैं आर्थिक तरह से एक एक मीडिया संस्था के ऊपर किस तरह से एक तरह से उसको निचोड़ दिया, और इन लोग, ये पूरा विश्व में हो रहे हैं, इंटरनेट के युग में हो रहे हैं, विज्ञापन दाता इतने पैसे खर्च नहीं कर रहे, कोविड के बाद और भी कम हो गया, और इसके मतलब क्या है कि सरकारी विज्ञापन के ऊपर ज्यादा निर्भर कर रहे हैं अभी मीडिया संस्थाएं, और फिर सरकार जो कह रहे हैं उन्हीं उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं, और पत्रकार, और पत्रकार नहीं रहा, बन गया विज्ञापन एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव या प्रवक्ता, या पब्लिक रिलेशंस, कोई जनसंपर्क का अफसर बन गया। तो सचमुच पत्रकार का क्या काम है? जो भी सत्य है उसको सवाल उठाइए, कठिन सवाल उठाइए, सख्त सवाल उठाइए, और आप जो हम कहते हैं होल्ड ट्रूथ टू पावर, जो भी सत्य में है उनका दिखाइए सत्य क्या है, और ये लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूं अच्छा है। अगर लोकतंत्र में जो भी सरकार का कमियां है, कहीं भी कमियां है, अगर सरकार के पास ये सूचना नहीं पहुंचता है, तो प्रशासन कैसे सुधरेंगे? आप देख रहे कोविड के बाद क्या हो गया, आज सरकार किसी के बात क्या सुनने नहीं चाहते हैं, और जो भी आप, और जो पत्रकार आप कुछ कह रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, जो आप उनको पसंद नहीं करते, वो देशद्रोही बन जाते हैं।
आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।